2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को पटकनी देने के लिए सपा बसपा गठबंधन में कई छोटी क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं। सपा बसपा हाईकमान नेता इन पार्टियों को साथ लेने और गठबंधन में इनके लिए 5 से 10 सीटें छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले गठबंधन को लेकर शुरुआती चरण की जो बातचीत हुई और जो फॉर्मूला मायावती की तरफ से सामने रखा गया था, अभी उसे ही आगे बढ़ाया जा रहा है। सूत्रों की अगर माने तो बहुजन समाज पार्टी इसी फॉर्मूले के आधार पर उन सीटों पर दावेदारी कर रही है जिसमें साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में वह दूसरे पायदान पर रही थी। अगर यही फॉर्मूला फाइनल हुआ तो इस हिसाब से बसपा के हिस्से में करीब 36 सीटें आएंगी और सपा को 34 सीटें मिलेंगी। इसके बाद बचने वाली 10 सीटों को छोटी पार्टियों में बांटने पर मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल रालोद को भी शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार से विपक्षी पार्टियों की एकता बढ़ी है। सपा का गोरखपुर और कैराना लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने का फॉर्मूला हिट रहा है। गोरखपुर में लोकसभा के उपचुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी, जबकि कैराना में रालोद उम्मीदवार को मैदान में उतारकर बाजी पलटी है। दोनों सीटों पर हिट हो चुका अखिलेश का ये फॉर्मूला अब विपक्षी पार्टियों को भी रास आ रहा है। दोनों सीटों पर जीत के बाद अखिलेश ने भी बीते दिनों कहा था कि बीजेपी को हराने का फॉर्मूला सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास ही है। वहीं कैराना उपचुनाव में जिस तरह छोटी पार्टियों ने एक होकर बीजेपी का मुकाबला किया है, उसका परिणाम सबके सामने आ चुका है। इसीलिए सपा बसपा अब गठबंधन में छोटी पार्टियों के लिए सीटें छोड़ने का विचार कर रही है। इसके अलावा यह विचार भी चल रहा है कि लोकसभा चुनाव में उन पार्टियों को भी साथ लिया जाए जिनका अपने क्षेत्र में जातीय आधार पर बेहतर जनाधार है, क्योंकि इन क्षेत्रीय पार्टियों को जातीय आधार के साथ अगर सपा बसपा का सपोर्ट मिल जाएगा तो इनके लिए अपनी सीट निकालने में काफी आसानी होगी। इसलिए गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियों के लिए भी सीटें छोड़ने की प्लानिंग चल रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में शामिल होने के लिए इन छोटी पार्टियों को अखिलेश यादव और मायावती ने भी हरी झंडी दिखा दी है।